जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत न टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, आप उसको पूरी मेहनत के साथ करें, आपको पक्का जॉब लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PGDCA कौन करता है और क्यों करता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर कोर्सों का कहीं ना कहीं एक मतलब होता है। ऐसे ही नहीं, इतने सारे कंप्यूटर कोर्स निकाले गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे कंप्यूटर कोर्स हैं, DCA, ADCA, PGDCA, DTP, DADTP, DFA, ADFA, इतने सारे कंप्यूटर कोर्स हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। इसलिए वो YouTube पर सर्च करते रहते हैं कि 10th के बाद कौन सा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स होगा, 12th के बाद कौन सा कंप्यूटर कोर्स बेस्ट होगा, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी कंप्यूटर कोर्सों का कहीं ना कहीं एक मतलब होता है, उस कंप्यूटर कोर्स का एक मकसद होता है। ऐसे ही नहीं किसी भी कंप्यूटर कोर्स को निकाला गया है। आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको जॉब मिलेगा, उसमें कैरियर है, बस ज़रूरत है आपको उस कंप्यूटर कोर्स को अच्छे तरीके से करना। तो चलिए अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर कि PGDCA कौन करता है और क्यों करता है। PGDCA क्यों किया जाता है, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि PGDCA का क्या औकात है, PGDCA से क्या फ़ायदे होते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ PGDCA इसलिए किया जाता है, PGDCA इसलिए लोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से PGDCA का औकात बताता हूँ। अगर आप कंप्यूटर का क्लास खोलना चाहते हैं तो भाई आपको PGDCA करना होगा। PGDCA एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिसके बाद आप अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप वहां पढ़ा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है PGDCA का। PGDCA का मतलब ही होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। मींस उसका जो एज होगा वो 22 प्लस होगा, जो ग्रेजुएशन करता है उसको 22 प्लस होता ही है, तो उसको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और PGDCA एक एडवांस लेवल का कंप्यूटर कोर्स है जिसमें कि आपको कई चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, है ना, वेबसाइट को डिज़ाइन करना, अकाउंटिंग का काम करना, इंटरनेट को मैनेज करना, इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जो कि एक एडवांस लेवल का होता है ये कोर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हम आसानी से किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में क्लास ले सकते हैं या फिर हम अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें कि DCA का क्लास होगा, ADCA का क्लास होगा, DTP का क्लास होगा। अगर आप PGDCA का कोर्स कर लेते हैं तो इसके पीछे आपको कई सारे ऐसे कोर्स होंगे जो आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि DCA कंप्लीट हो जाएगा, या DCA कंप्लीट हो जाएगा, DTP, DFA, मतलब कई सारे जनरल जितने भी कोर्स हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरी फ़ायदा ये है कि आपको MBA, MCA जैसे कोर्सों में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ये है ही ऐसा कोर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि PGDCA से और क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जैसे मान लीजिए आप रेलवेज का फॉर्म भर रहे हैं या फिर SSC का फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या 12th का मांगा जाता है या ग्रेजुएशन का मांगा जाता है। लेकिन वहां पर डिप्लोमा का भी ऑप्शन रहता है, अगर आप डिप्लोमा का वहां पर सर्टिफिकेट लगा देते हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ भी वहां पर अपना प्रूफ लगा सकते हैं डिप्लोमा का, चाहे आप कोई भी डिप्लोमा किए हों, DCA, ADCA या PGDCA,
तो वहाँ पर अगर आप PGDCA का जो है ऐसे सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आपको बहुत ही मतलब फ़ायदा ही होगा। और इससे ये भी फ़ायदा है कि PGDCA करने के बाद आपको डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आपको डायरेक्टली जॉब लग सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि लग ही जाएगा, मतलब लग सकता है। जो सबसे ज़्यादा जो संभावना होता है वो PGDCA से ही होता है। अगर एक स्टूडेंट PGDCA किया हुआ है और एक स्टूडेंट DCA किया हुआ है तो सबसे पहले जो सेलेक्ट होगा वो होगा PGDCA, बिकॉज वो जो है सी एडवांस कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा का। तो सबसे पहले PGDCA को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही DCA के बारे में कोई सोचता है। ओके, और इससे और भी फायदा है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आप मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में आप पास हो गए और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको एक रिज्यूम ले जाना पड़ता है, बायोडाटा ले जाना पड़ता है, और उस बायोडाटा में आपको पूरी जानकारी लिखना होता है कि भाई हम ये किए हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो आप उसमें उस रिज्यूम में आप PGDCA के बारे में डिनोट कर सकते हैं कि PGDCA में मैंने ये सीखा, मेरे को ये एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये भी फ़ायदा होता है। मैं जो भी आपको आज बता रहा हूँ, जो भी आज आपको समझा रहा हूँ, इसका आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भूल ना जाएं। इसलिए मैंने इसका नोट्स तैयार कर लिया है, मतलब PGDCA का, मतलब पूरा नोट्स नहीं, मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अगर डेली PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैंने कल ही टेलीग्राम ग्रुप को बनाया है, उसमें आपको PDF मिलते रहेंगे। आप लास्ट में मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद और भी फ़ायदा है PGDCA का। अगर आपसे कोई इंटरव्यू लेता है कंप्यूटर के बारे में तो आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि ये एडवांस है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस कोर्स है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना बता देने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि PGDCA लोग कौन करता है और क्यों करता है। अब मेरे को बताने को इतना ज़रूरत नहीं है कि PGDCA लोग क्यों करते हैं। इतना एडवांस कोर्स है तो एडवांस बनना है तो एडवांस कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है और अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, या आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है, या कंप्यूटर के मामले में आपको ज़्यादा मतलब रुचि रखते हैं आप, तो आप PGDCA कीजिए, बेझिझक कीजिए। आप ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं PGDCA का क्या क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं।